नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राजधानी पटना में नीलेश मुखिया को गोली मारी जाती है और 23 अगस्त को उनकी मौत हो जाती है। आरोप लगता है पप्पू, धप्पू और गोरख राय पर और पता चलता है कि कई विवादों के साथ साथ इस पूरे हत्या का कारण जमीन विवाद भी था। इसके बाद जब उन शूटरों को गिरफ्तार किया जाता है जिन्होंने नीलेश मुखिया पर गोली चलाई थी, तो कार्रवाई के बाद ये पता चलता है कि इस पूरे प्रकरण में पप्पू, धप्पू और गोरख राय तो शामिल थे ही, साथ ही एक अजय नामक व्यक्ति का भी इस पूरे साजिश में बहुत बड़ा हाथ था। एसएसपी राजीव मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ तौर पर बताया था कि जब उन शूटरों से पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ तौर पर पप्पू, धप्पू और गोरख राय का नाम लिया और साथ ही ये भी बताया कि इस पूरे हत्या की साजिश पप्पू, धप्पू और गोरख राय ने अजय नामक व्यक्ति के साथ ऑफिस में बैठकर किया था और बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। पप्पू राय का यह भी कहना था कि अगर वो किसी भी तरीके से इस पूरे साजिश में शामिल होंगे तो वो खुद ही सरेंडर कर देंगे। साथ ही उनकी पत्नी का भी ये बयान आया था कि ये तीनों भाई किसी भी तरीके से इस पूरे साजिश में शामिल नहीं हैं और वो पुलिस की पूरी मदद करेंगे हत्यारों को पकड़ने के लिए। लेकिन अब जब साफ तौर से ये बात सामने आ गई है कि इस पूरे हत्या की साजिश में पप्पू, धप्पू और गोरख राय शामिल थे, उसके बाद से तीनों ही भाई फरार चल रहे हैं। वो कहाँ हैं अभी किसी को भी नहीं पता है। इस पूरे घटना के बाद पप्पू, धप्पू और गोरख राय के घर की कुर्की जब्ती की जाती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कुर्की जब्ती केवल एक दिखावा था। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम ये भी आपको बताते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इनके घर की कुर्की जब्ती तो की गई, लेकिन केवल निचले फ्लोर का ही सामान निकाला गया, केवल निचले फ्लोर के ही खिड़की और दरवाजे तोड़कर निकाले गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लगभग 2-3 मंजिलों का मकान है और इसकी कुर्की जब्ती केवल पहले मंजिल में की गई, केवल पहले मंजिल का सामान निकाला गया और खिड़की और दरवाजे खोले गए। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसकी ऊपर की मंजिलें बिल्कुल सही सलामत है। आप देख सकते हैं किस तरीके से केवल घर ही नहीं, घर का सामान भी बिल्कुल सुरक्षित है। तो क्या ये जो कुर्की जब्ती की गई थी ये केवल एक दिखावा था? क्या जो लोग वहां गए थे उनके घर की कुर्की जब्ती करने, किसी ना किसी तरीके से वो भी इन तीनों भाइयों के साथ शामिल है? और अगर नहीं है तो क्यों, जिस तरीके से कुर्की जब्ती की जाती है वो सही तरीके से क्यों नहीं कराया गया? आखिर क्यों उनके पूरे घर को खाली नहीं किया गया? क्यों पूरे घर के खिड़की दरवाजे नहीं खोले गए? हमने आपको अभी तस्वीरों में दिखाया कि केवल फर्स्ट फ्लोर जो कि निचला हिस्सा है मकान का, केवल उसकी कुर्की जब्ती की गई। इसीलिए ये देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये कुर्की जब्ती केवल जनता को दिखाने वाला एक दिखावा था। जब से नीलेश मुखिया की मौत हुई है उनके समर्थकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने नीलेश मुखिया को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च भी किया था। उसी के कुछ दिनों बाद खबर आई थी कि जब ये साफ तौर पर कह दिया गया था कि इस पूरे हत्या की साजिश के पीछे पप्पू, धप्पू और गोरख राय का हाथ था, तब उनके घर की कुर्की जब्ती की बात सामने आई और अभी कुछ दिनों पहले ही उनके घर की कुर्की जब्ती की जा रही थी। हमने आपको उस वक्त भी दिखाया था कि किस तरीके से केवल निचले फ्लोर का सामान बाहर निकाला जा रहा था और ज्यादा सामान भी उनके घर से बाहर नहीं निकला था। उस वक्त भी इस तरीके की कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा हो सकता है उन्होंने केवल दिखावे के लिए ये काम किया हो और तीनों भाइयों ने घर के जो कीमती सामान थे वो कहीं यहाँ से हटा दिए हों। और इतना ही नहीं, जो पुलिस जिसका काम था पूरे घर की ठीक से कुर्की जब्ती करना, उन्होंने भी अपना काम कहीं ना कहीं ठीक से नहीं किया और ये सारे इल्जाम नीलेश मुखिया की पत्नी पर उन पर लगाया है कि किस तरीके से केवल जो सामान है वो थोड़े बहुत ही निकाले गए और बाकी का कीमती सामान जरूर इन्होंने कहीं हटा दिया गया। ये लोग तो ये सामान कौन सी बड़ी बात है इधर उधर कर देना, जब इश्तेहार सट गया है कि कुर्की जब्ती होगी, कौन सी बड़ी बात है? रात के अंधेरे में क्या नहीं होता है, उसी में हो गया सारा करामात। ऐसा थोड़ी होता है, एक गरीब के घर में भी आप जाके देखिए, अगर उसका एक कमरे का भी कोई कमरा है अगर उसको खाली किया जाए तो दुनिया के सामान निकलते हैं। और इसका इतना रावण का जो लंका है इतना बड़ा, उसमें कुछ है ही नहीं।
फिलहाल पप्पू धप्पू और गोरख राय फरार चल रहे हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अब वो कब तक पकड़े जाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।